सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हजारों की संख्या में लोग आज सड़कों पर उतरे और कानून को देश विरोधी बताते हुए वापस लिए जाने की मांग की है। हजारों की संख्या में लोग ईदगाह मस्जिद से जुलूस के रूप में रवाना हुए और रैली के रूप में गांधी चौक, गांधी बालिका स्कूल, पुड़िया चौक आदि स्थानों से नारेबाजी करते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड कार्यालय के बाहर पहुंचे और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ नारेबाजी करते हुए CAA बिल को वापस लिए जाने की मांग राष्ट्रपति से की। तंजीम उलमाए अहले सुन्नत सुजानगढ़, तरीक उलमाए हिंद जयपुर की शाखा सुजानगढ़, मुस्लिम महासभा व सर्व समाज की ओर से आयोजित प्रदर्शन में भारत का तिरंगा लहराते हुए लोगों ने बेरोजगारी से चाहिए आज़ादी, मोदी से चाहिए आज़ादी के नारे काफ़ी देर तक बुलंद किए। वहीं शांतिपूर्वक हुए प्रदर्शन के दौरान उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र शर्मा, CI सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता व RAC के जवान तैनात रहे। शहीद खान, इकबाल खान सहित अनेक लोगों ने रैली को सफल बनाने के लिए लोगों का आभार जताया। वहीं उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, हाफिज अब्दुल सलाम खिची, इकबाल खान, पार्षद अमित मारुठिया, सुरेंद्र भार्गव, शाहिद खान आदि ने SDM को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से कानून को वापस लिए जाने व NRC देश में लागू नहीं किए जाने की मांग की। दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान सफी खान, अवेश राव, इरफान खान, खुशी मोहम्मद, अफजल खान, मोहसिन इमरान, प्रदेश योद्धा मोहम्मद इदरीस गोरी, अब्दुल सबूर बहलीम, मास्टर दाऊद काजी, खालिद गोरी, रमजान राव, सुगना राम रोलानिया, रामनारायण रोलानिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन से प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। वहीं आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि सरकार जब तक कानून को वापस नहीं लेती है तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। आप भी देखिए किस प्रकार से हजारों लोगों ने CAA के विरोध में प्रदर्शन किया और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। देखो जो मोदी सरकार द्वारा जो CCA और NRC जो कानून बिल लेके आए उनके विरोध में 36 कौम की जनता, जो सभी समुदाय के लोग आज इस रैली में शांतिपूर्ण ढंग से SDM साहब को ज्ञापन दिया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। विरोध जायज़ है कि जब यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतवासी भाई भाई हिंदू मुस्लिम की एकता हमेशा यहाँ मिसाल रही है, तो मोदी जी ने जो ये भाई भाई को लड़ाने का काम, हिंदू मुस्लिम को जो लड़ाने का काम जो ये किया है, ये बहुत ही गलत है और हम सब लोग इनका भरसक विरोध करते हैं। अमन और शांति है, पिछले 70 साल से पूरे हिंदुस्तान में आम और आवाम से जनता रह रही है, जिसको भरसक प्रयास से इनको अलग अलग करने की जो ये साजिश रची जा रही है नाकाम होगी और जनता अपने तरीके से नियमों कानून के अंतर्गत अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये कानून वापस मोदी जी को हटाना ही पड़ेगा। ये हिंदुस्तान की जनता के लिए, मोदी जी को अगर बात करनी है तो बेरोजगारी की करो, बात करनी है तो जो लोगों के लिए खाने के लिए आज रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं है वो करो। इनको सिर्फ आसाम और पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने के लिए जो पोपड़गंडा रचा था वो खुद के गले की घंटी फांस बन गई है। अब मोदी जी और अमित शाह दोनों हिचकिचाए हुए हैं कि हमने क्या कर दिया। जनता ये मांग करती है कि इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हिंदुस्तान की जनता चैन से नहीं बैठेगी, अपना कानून के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। आज सुजानगढ़ सर्व समाज ने, सभी वर्गों ने लोग मिलकर जो केंद्र सरकार जो NRC और CA कानून लाए जब पास किया है उसके विरोध में रैली के रूप में और शांतिपूर्ण प्रदेश प्रदर्शन किया। ईदगाह मस्जिद से लोहिया स्टेडियम से शुरू होकर गांधी चौक, गांधी बालिका, पुलिया, गणेश मंदिर होते हुए SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के नाम, और उनसे मांग की है कि ये जो काला कानून लाया गया है इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, क्योंकि ये कानून अपने आप में विदोवास में है। एक में कहते हैं कि विदेश में, विदेश भारत से जो बाहर रह रहे हैं उनको नागरिकता देंगे,
एक कानून में कह रहे हैं जो भारत में रह रहे हैं उनसे नागरिकता छीनेंगे। अरे जो लोग आज तक अपनी पढ़ाई के सर्टिफिकेट साबित नहीं कर पाए वो आज हिंदुस्तान के 70 साल से पुराने लोगों से उनका भारतीय नागरिकता होने का प्रमाण पत्र मांग रही है। अरे शर्म करो, अपने निकम्मेपन और को छुपाने के लिए और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जो ये काला कानून ला रहे हैं उसको तुरंत प्रवास बंद किया जाएगा। और ये रैली के माध्यम से और SDM साहब के माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया माई महिम राष्ट्रपति से हम निवेदन करते हैं कि काले कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि ये पूरे एक वर्ग के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए काला कानून होगा जिससे हर वर्ग के, गरीब वर्ग के, माइनॉरिटी वर्ग के, SC वर्ग के, हर वर्ग के लोगों को ये दिक्कतें आएंगी। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो पिछली बार 5 साल में 6 साल में सरकार ने जो निकम्मापन किया है, GDP 4.5% आ गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हालात ये है कि छोटे से व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक मंदी का दौर है, भुखमरी का माहौल छाया हुआ है और केंद्र सरकार इसको दबाने के लिए जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो षड्यंत्र रच रही है कानून लाने के जरिए लोगों को बरगलाया जा रहा है, इसको आप सही ढंग से देखिए। और पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हो रहा है क्योंकि हर पढ़ा लिखा वर्ग इसका विरोध कर रहा है। जितनी भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी है, यूरोप में यूनिवर्सिटी है, वो इनका विरोध करिए। इसका मतलब पढ़ा लिखा आदमी इसको समझ रहा है, ये किसी वर्ग का विरोध नहीं है, सर्व समाज का विरोध है। और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको बताना चाहूँगा, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत सुजानगढ़ और तहरीक उलमाए हिंद जयपुर जिसकी ब्रांच सुजानगढ़ में भी है और मुस्लिम महासभा और उसके साथ ही सर्व समाज की तरफ से आज ये ईदगाह मस्जिद से शुरू होकर के जुलूस हज़ारों हज़ार की तादाद में, लगभग 5 से 7 हज़ार की तादाद में लोग निकल करके इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं। अभी मेरे साथियों ने एक बात बताई, हिंदू मुसलमान, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है संविधान की। इन्होंने वार हिंदू मुसलमान पे नहीं, संविधान पे किया है। संविधान की धारा 14 इस बात की गारंटी देती है कि हिंदुस्तान में जाति, लिंग, संस्कृति, धर्म सबसे ऊपर उठ करके हिंदुस्तान हर एक मानने वालों को वासुदेव कुटुंबकम के ज़रिए से यहाँ रहने की आज़ादी देता है। CAA कानून उस आज़ादी को छीनता है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात भारत के संविधान की है कि उसको ये चेंज कर रहे हैं। किसके ज़रिए से? इसके ज़रिए से कि आप सबको शामिल कर रहे हो। जिन लोगों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, जिन लोगों ने अपनी चॉइस से पाकिस्तान को चुना, उनको आप जीजाजी की तरह यहाँ ला करके कह रहे हो कि हम तुमको नागरिकता देंगे। और जिन्होंने अपनी राजी खुशी से, अपनी मर्जी से हिंदुस्तान रहे, उनसे आप कह रहे हो कि आप अपनी नागरिकता साबित करो। ये इंसल्ट नहीं है? आप क्या समझ रहे हैं? इसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से मत देखिए। NRC सिर्फ या CAA सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है, आप हिंदू भाइयों का भी इशू है। तभी आप देखिए, पढ़ा लिखा तबका, हिंदुस्तान की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी, दुनिया की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी, दुनिया से अच्छे लोग, इतिहासकार रामचंद्र गुहा जैसे इतिहासकार जिनको पढ़ करके लोग आज सत्ता के गलियारों पर कब्जा जमाए हुए हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। आप सोचिए, नोटबंदी के वक्त कहा गया कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नोटबंदी के वक्त कहा गया कि काला कानून। आज हम जिस ऑफिस में खड़े हैं, मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन हर एक के मन में है इस ऑफिस में भी बगैर पैसे दिए काम नहीं होता है। बात तो इसकी हुई थी कि नोटबंदी इसलिए की जा रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब बात आ रही है CAA और NRC की। इन्होंने NRC लागू की असम में, मैं आपको फिर बताता हूँ, इन्होंने NRC लागू की आसाम में जिसके ज़रिए से सरकार के 1600 करोड़ रुपये खर्च हुए। एक अनुमान के मुताबिक लोगों के 8000 करोड़ रुपए खर्च हुए। लोगों को डराया गया कि 40 लाख बांग्लादेशी मुसलमान आसाम में रहते हैं, लेकिन जब रजिस्टर बनाया गया तो 19 लाख लोग सिर्फ NRC से बाहर निकले और उनमें से 15 लाख हमारे गैर मुसलमान भाई थे जो रोज़ी रोटी के लिए, खुद सुजानगढ़ के भी कई लोगों से मेरी बात हुई, वो लोग थे जो 1970, 1980, 1985 में जा करके वहाँ बस गए रोज़ी रोज़गार के लिए। अब चूंकि यहाँ वो वोट देते नहीं हैं, उनका यहाँ से भी नाम कट गया, उनका यहाँ से भी कोई वास्ता नहीं है। अब उनसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर 1971 से नागरिकता साबित कीजिए। बताइए वो कहाँ से साबित करेंगे? आज यहाँ पर वो सुजानगढ़ आएंगे, पहले तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कागजात लेके कहाँ से जाऊँ। ऐसा कानून जो लोगों को भी परेशान करने वाला है, जो आप भाइयों को भी परेशान करने वाला है, हमें भी परेशान करने वाला है।
CAA के ज़रिए से जो लोग NRSC में वंचित रह जाएंगे, उन लोगों को तो भारत सरकार इस काले कानून के ज़रिए से नागरिकता देगी, लेकिन मुसलमान को नहीं देगी। क्या गारंटी है जिन लोगों ने अफ़गानिस्तान के तालिबान को चुना, जिन लोगों ने बांग्लादेश को चुना, इंदिरा गांधी ने जिस बांग्लादेश को अलग किया, जिन लोगों ने जिन्ना के पाकिस्तान को चुना, आप उनको तो नागरिकता दे रहे हो। जिन लोगों ने हिंदुस्तान को चुना, आप उनसे उनका सबूत मांग रहे हो। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हिंदुस्तान ये बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ पर एक दूसरे के दुख सुख गम में और त्यौहार में शरीक होते हैं। खुदा के लिए उनको ऐसे काले कानून से अलग मत कीजिए, जुदा मत कीजिए। मैं राष्ट्रपति महोदय से, हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं तो उनके लिए कहता हूँ कि आप 2034 तक प्रधानमंत्री रहिए, ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हों। लेकिन इसके ज़रिए से मत रहिए कि आप लोगों को कभी नोटबंदी के ज़रिए से परेशान करें, व्यापारियों को GST के ज़रिए से परेशान करें, और आम नागरिकों को NRC के ज़रिए से परेशान करें। इस तरह से मत कीजिए। आप 2034 तक राज कीजिए, लेकिन हर एक बंदे को रोटी कपड़ा मकान और उसकी रोज़गार की गारंटी दीजिए। हमारे जवान जो IAS IPS की परीक्षा दिए हुए हैं, उनके लेटर नहीं आ रहे हैं ज्वाइन के, उनको लेटर दीजिए। हमारे व्यापारी जो GST की वजह से व्यापार ख़त्म करने के कबार पर हैं, GST को कम करके उनके रोज़गार को बढ़ावा दीजिए। मैं तो बस इतना ही कहूँगा।